बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आप अपने माई एवरग्रीन फ्यूचर की आईडी पे कैसे फंड को बाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि फंड लेने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदल चुका है और अभी नया प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है जो कि पूरी तरीके से फास्ट एंड रिलायबल है एंड सिक्योर भी है और आपको काफ़ी जल्दी फंड मिल जाएगा। आपको किसी को व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को फ़ोन कॉल करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली आपको इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको ये पूरा वीडियो देखना है और आपको समझना है कि कैसे अपना फंड आप अपनी आईडी पे खुद से ले सकते हैं। इसका एक पूरा डेमो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप ना करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फंड लेने के लिए आपको पहला जो स्टेप करना होता है वो है कंपनी को पेमेंट करना होता है। तो कंपनी को पेमेंट करने के लिए आप अपने सीनियर अपलाइन से कंपनी का अकाउंट नंबर ले सकते हैं या तो आप खुद से जाकर वेबसाइट विजिट करें। और वेबसाइट पे मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट अस सेक्शन है। वेबसाइट पे myevergreenfuture.com आपको टाइप करना है अपने ब्राउजर में। उसके बाद आप अबाउट अस सेक्शन में जाइए। अबाउट अस सेक्शन में जाने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बैंक डिटेल्स दिखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपको इस बैंक डिटेल्स पे पेमेंट करना है। इन फ्यूचर अभी काफ़ी और बैंक डिटेल्स आने वाली है कंपनी की, तो उन सब पर भी आप बाद में कर सकते हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ से डिटेल्स ले लेनी है। और आपको क्या करना है, इस बैंक अकाउंट पे आपको नेफ्ट के थ्रू, RTGS के थ्रू, UPI के थ्रू, IMPS के थ्रू, जैसे भी आपको पॉसिबल होता है आप इस बैंक अकाउंट पे पैसे भेज सकते हैं। और आप ऐसा मेथड सेलेक्ट करें जिससे आपका पैसा कंपनी में जल्दी जाए, जिससे आपका फंड है कि जल्दी अप्रूव हो पाएगा। अगर आप नेफ्ट या RTGS नॉन वर्किंग डेज में करते हैं तो आपको थोड़ा फंड के लिए वेट भी करना पड़ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे है जो कि इस पे करना है। और चलिए मैं एक डेमो भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको फिलअप करना है सारी डिटेल्स को और फंड कैसे लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपनी आईडी है वो लॉगिन करनी है, जो आपने आईडी बनाई है। बहुत सारे लोग न्यू होंगे तो वो जो आईडी बना रहे हैं उसे लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आपको एक यहाँ पे 3 डॉट का बटन दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर में लास्ट में देखिए आप 3 लाइन है बना हुआ, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो सबसे नीचे में आप देखिए यहाँ पे एक बैलेट का ऑप्शन है बिजनेस टूल्स के ऊपर में। सिंपली आपको यहाँ पे एक बार टैप करना है बैलेट पे। जैसे आप टैप करेंगे और आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा, बड़े आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है बाय फंड, जिसको मैंने अभी ब्लू कर दिया है। तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से, बाय फंड है, एक बाय फंड हिस्ट्री है, यानी आपको फंड खरीदना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, बहुत ही सिंपल से सारे स्टेप्स हैं जो अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, और आपका फंड एज सुन एज पॉसिबल हो जाएगा और रिजेक्शन नहीं आएगी आपके फंड पे। तो क्या है कि आपने जैसे मान के चलिए 750 का करा, ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एक बार में डाले जो लीडर्स लोग हैं और उसका एक बार में करवाएं अप्रूव, ताकि आपका जो फंड है वो एक बार अप्रूव हो जाए और आप उससे दिन भर जब भी आप चाहें आप अपने कैपिंग के अनुसार में उसको टॉप अप कर पाएं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट मेरे ओर से, आप आज जैसे चाहें वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे पेमेंट करना है और कैसे कितना पेमेंट करना है, ठीक है। तो मैंने मान के चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 750 रुपये का मैंने मान के चलिए पेमेंट किया है कंपनी को, क्योंकि मिनिमम आईडी 750 रुपये की है। और यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो है पेमेंट मोड, इस पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कैश डिपॉजिट, IMPS, नेफ्ट, RTGS, अदर्स, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे IMPS कर लेता हूँ, या अगर आप UPI वगैरह कर रहे हैं तो अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे UPI का ऑप्शन नहीं है। तो चलिए मैं IMPS ही करता हूँ क्योंकि UPI भी एक IMPS का ही मोड है, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है डिस्पैच्ड इन विच कंपनी बैंक अकाउंट नंबर, तो आपने कंपनी के किस बैंक अकाउंट नंबर में डाला है वो बैंक अकाउंट नंबर सिर्फ आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए, जो भी बैंक अकाउंट नंबर इन फ्यूचर आप डालते हैं उसको आप डाल दीजिए। और जो आपका अगला है वो है ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, यहाँ पे मेरी आईडी लिखी हुई तो उस आईडी को मैंने हटा दिया है। ये चीज़ आपका मेन है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो चीज़ है यहाँ पे आपका मेन है। तो वो कैसे मिलेगा आपको, चलिए मैं एक डेमो के थ्रू बताता हूँ।
ठीक है, तो मान के चलता मैंने यहाँ पे फोन पे का इस्तेमाल किया है कंपनी को पेमेंट करने के लिए। अगर आपको फोन पे इस्तेमाल नहीं करना आता है तो आप इसके बारे में आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं सारी डिटेल्स आपको इसको एक वीडियो के थ्रू दे दूंगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक पेमेंट कर दिया है, मान के चलता हूँ, मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ बस। तो इसके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में मैं जाऊँगा, ठीक है, और मैं चलिए यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ। 750 का मैंने मान के चलिए पेमेंट किया है, आज से 29 जुलाई को मैंने ये पेमेंट किया था, ठीक है, ये काफ़ी पुराना पेमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आईडी है, तो ये ट्रांजेक्शन आईडी फोन पे वाले की होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यूटीआर, ये है आपका बैंकिंग जो रेफरेंस नंबर है, जो आपका रेफरेंस नंबर होता है आईएमपीएस का वगैरह का, ये होता है यूटीआर नंबर, इसको यूटीआर नंबर भी बोला जाता है। तो आप इस यूटीआर नंबर को क्या करना है, कॉपी कर लेना है, इसको देख लेना, नोट डाउन करना है, और इसको क्या करना, कॉपी करके और एक इसकी स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाल ली है, ये स्क्रीनशॉट आ गया मेरे फ़ोन में। अभी ये यूटीआर नंबर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट कर दूंगा जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है। चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी 8 से 10 अंक का ये यूटीआर नंबर होता है, ठीक है। और क्या है, अगला है जो स्टेप है वो है ट्रांजेक्शन प्रूफ या पेमेंट स्लिप। आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसका आपको जो स्क्रीनशॉट मैंने अभी लिया है, वो स्क्रीनशॉट क्या करना, चूज फाइल, यहाँ पे फाइल्स को चूज करना है, या तो फोटो भी उसका खींच सकते हैं आप, अगर आपके जैसे कि आपने कैश पेमेंट करा है। और मैंने यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट फोन पे करके मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और आपके जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है, तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपके मैसेज में आ जाता है जब आप ज्वाइन करते हैं। अगर ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैसेज नहीं आया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली यहाँ पे जाएं प्रोफाइल में, प्रोफाइल में एक ऑप्शन होगा जनरेट टी पासवर्ड, आप चौथे पाँचवें नंबर पर देख सकते हैं। चलिए मैं इसको ब्लू करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए जनरेट टी पासवर्ड, इस पर आपको जाना है और वहाँ पर अपनी जो लॉगिन पासवर्ड जो आपने बना रखा है उसको डालिए सिंपली, और आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड विद इन 1 सेकेंड आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको 7 से 8 अंक का होता है, वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप यहाँ पे कॉपी करके डाल दें और देन सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका ये पेमेंट है जो सबमिट हो चुका है, लेकिन सबमिट करने से पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें कि जो आपने जो दिया है वो एक्चुअल डाटा सही है, ठीक है। और ध्यान रखें फ्रेंड्स कि इस सिस्टम को सिक्योर बनाया गया है, तो आप कभी भी डबल टॉप अप करने का कोशिश ना करें, ठीक है। इससे आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आ सकती है कंपनी के एंड से। और जो आप एक बार ट्रांजेक्शन यूटीआर नंबर यहाँ पे भर देते हैं, वो कोई भी बंदा दूसरे अपनी आईडी से नहीं डाल पाएगा। तो यहाँ पे इसको काफ़ी सिक्योर बनाया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप इसको मतलब डाल देते हैं, उसके बाद आप जाएंगे वाई फंड हिस्ट्री में, यहाँ पे आपकी एक हिस्ट्री जनरेट हो जाएगी जो कि आपको पेंडिंग शो होगी, ठीक है। जैसे ही आपको कंपनी अप्रूव करती है, वो आपका देखेगी, पूरा डिटेल्स मिलाएगी कि आपने किस अकाउंट में क्या आपने पेमेंट किया है, और आपके एक्चुअल डाटा बेस से सही मैच कर जाती है, तो आपको उतने का फंड वो आपकी आईडी पे भेज देती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी एक रिकॉर्ड बनेगी जिसमें रिक्वेस्ट अमाउंट वगैरह जो आपने भरा है वो सारा कुछ रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटस है, और स्टेटस में आपका रहेगा कि आपका पेंडिंग चल रहा है, कि आपका सक्सेसफुल हो चुका है या रिजेक्ट हो गया है ना। तो अगर रिजेक्ट होता है तो आपको दोबारा से सही डिटेल्स भर के आपको अप्रूव करवाना होगा, और एक्शन यहाँ पे आएगा तो एक्शन में आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, और अगर कोई गलती हो गई तो दोबारा भी उसको आप सबमिट कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और फंड लेने के बाद में आपको अपनी आईडी कैसे एक्टिव करनी है या किसी दूसरे बंदे की कैसे आईडी एक्टिवेट करनी है, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। और आपके मेन स्क्रीन पर भी एक पॉपअप मैसेज फ्लैश कर रहा होगा वीडियो का, आप उस पर भी क्लिक करके इस वीडियो पर जा सकते हैं कि कैसे आपको नई आईडी एक्टिवेट करनी है अपनी या किसी अदर डाउनलाइंस की। तो इस तरीके का प्रोसेस बनाएगा फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी फास्ट एंड रिलायबल होगा, और आप सभी को इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको काफ़ी लंबी हो गई तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आप माई एवरग्रीन फ्यूचर के बारे में पूरी अपडेट लेना चाहते हैं और पूरी जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके आप जुड़े रहें और पूरी जानकारी आप लेते रहें, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही न्यू वीडियो में माय एवरग्रीन फ्यूचर के साथ में, तब तक के लिए आप अर्निंग करें और हैप्पी रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।